चौरसिया ने हीरो इंडियन ओपन गोल्फ खिताब जीता। शिव शंकर प्रसाद चौरसिया ने 20 मार्च 2016 को नई दिल्ली स्थित गोल्फ कोर्स में आयोजित हीरो इंडियन ओपन टाइटल गोल्फ खिताब जीता। 37 वर्षीय चौरसिया ने 71 पॉइंट से गत चैंपियन अर्निबान लाहिड़ी और कोरिया के जे युन घुन वॉन्ग को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। इससे पहले चौरसिया हीरो इंडियन कप में 4 बार दूसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ उन्होंने 2,76,660 अमेरिकी डॉलर की राशि जीती एवं एशियन टूर में 4th स्थान सुनिश्चित किया। अन्य भारतीयों में राशिद खान 6th स्थान पर रहे। शिव कपूर और राहुल गंगजी ने 10th स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में जीव मिल्खा सिंह ने 20th स्थान हासिल किया। रितु बेरी खादी ग्रामोद्योग आयोग की सलाहकार नियुक्त। फैशन डिजाइनर रितु बेरी को 17 मार्च 2016 को भारत और विश्व भर में खादी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया। आयोग ने 1 वर्ष की अवधि के लिए बेरी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अपने कार्यकाल के दौरान वे खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को आम जनता के बीच प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। पूर्व में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अप्रैल 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। कर्नाटक के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार के ए वेंकटरमैया इस आयोग के पहले निदेशक थे। एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीतने वाले गुरमीत सिंह पहले भारतीय एथलीट। गुरमीत सिंह ने 20 मार्च 2016 को एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉक चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। गुरमीत ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। एशियाई खेलों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 34 साल में यह उपलब्धि पहली बार किसी भारतीय ने हासिल की है। हाकम सिंह और चंदम राम ने क्रमशः 1978 और 1982 के एशियाई खेलों में 20 किलोमीटर रोड वॉक में प्रत्येक ने स्वर्ण पदक जीता था। तब से किसी भी भारतीय ने इस प्रतियोगिता में महाद्वीपीय स्तर पर स्वर्ण पदक नहीं जीता। 30 वर्षीय गुरमीत सिंह ने 1 घंटे 20 मिनट और 29 सेकंड में रेस वॉक पूरा किया जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी जापान के इसामो फुजीसावा ने रेस वॉक को 1 घंटे 20 मिनट 49 सेकंड समय अवधि में पूरा करके रजत पदक हासिल किया। कजाकिस्तान के जार्जी सेखो ने 1 घंटे 21 मिनट और 52 सेकंड के समय में कांस्य पदक जीता। नोवाक जोकोविच एवं विक्टोरिया अजारेंका ने इंडियन वेल्स ओपन का खिताब जीता। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच एवं विक्टोरिया अजारेंका ने 20 मार्च 2016 को इंडियन वेल्स ओपन का खिताब जीता। दोनों ने क्रमशः पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने खिताबी मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी मिलोस राओनिच को 6-2, 6-0 पर आसान जीत से रिकॉर्ड 5वीं बार बीएनपी पेरिबस टेनिस ओपन अपने नाम किया। यह जोकोविच का लगातार 3रा खिताब रहा। उन्होंने इस साल के अपने रिकॉर्ड में सुधार कर इसे 22-1 कर लिया। उन्होंने 1 घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले में राओनिच को परास्त किया। महिला वर्ग के खिताबी मुकाबले में वर्ष 2012 में खिताब जीतने वाली विक्टोरिया अजारेंका ने सेरेना विलियम्स को 6-4, 6-4 से मात दी। इससे अजारेंका ने अगस्त 2014 के बाद पहली बार विश्व के शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वापसी की। भारत के टिक्का सरसुजीत सिंह फ्रांस के प्रतिष्ठित नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑर्नर सम्मान से सम्मानित। भारत के टिक्का शत्रुजीत सिंह को 18 मार्च 2016 को फ्रांस के प्रतिष्ठित नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। कपूरथला के आलूवालिया राजवंश के वंशज टिक्का शत्रुजीत सिंह को फ्रांस का प्रतिष्ठित नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार उनके द्वारा फ्रांस की जीवन शैली और भारतीय संस्कृति के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान हेतु दिया गया। भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रैंकोइस रिचर्ड ने 54 वर्षीय सिंह को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस सम्मान से पुरस्कृत किया। विदित हो कि टिक्का सत्यजीत सिंह की कारोबारी यात्रा लुई विटान के साथ शुरू हुई थी। वह संस्कृति पर काम करने वाले एक असाधारण व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत में फ्रांस की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। टिक्का सत्यजीत सिंह लग्जरी गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। वह बहुराष्ट्रीय समूह मोयट हेनेसी लुई विटान के अध्यक्ष के सलाहकार हैं। वह कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह के पड़पोत्र और वंशज हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार 2014-15 प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च 2016 को नई दिल्ली में वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार 8 राज्यों को दिए गए जिनके मुख्यमंत्रियों ने यह पुरस्कार ग्रहण किए। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राज्यों को धान गेहूं दलहन साबुत अनाज और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता राज्य को 1 ट्रॉफी 1 प्रशस्ति पत्र एवं 5 करोड़ रुपए दिए गए। एम सुकुमरन को सी बी कुन्नू रमन साहित्यिक पुरस्कार हेतु चयनित किया गया।
प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम सुकुमारन को मार्च 2016 के तीसरे सप्ताह में सीवी कुन्ही रमण साहित्यिक पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। इस पुरस्कार में 10,001 रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र एवं बीडी दातान द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति दी जाती है। एम सुकुमारन मलयालम के लघु कथा लेखक हैं। उनका जन्म केरल के पल्लकड़ जिले में चित्र नामक स्थान पर हुआ। उनके लेखन के सभी विषय में वंचितों को दूरदर्शा एवं दीन दुखियों की मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष की झलक मौजूद है। केंद्र सरकार ने किसानों की सहायता हेतु पूसा कृषि मोबाइल ऐप आरंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 21 मार्च 2016 को किसानों के लिए एक नया मोबाइल ऐप पूसा कृषि आरंभ किया, ताकि तकनीक की सहायता को खेतों तक पहुंचाया जा सके। इस मोबाइल ऐप को नई दिल्ली स्थित 3 दिवसीय कृषि उन्नति मेला के समापन सत्र में जारी किया गया। इस पूसा कृषि मोबाइल ऐप के प्रयोग से किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। किसानों को मौसम के बारे में जानकारियां मिलेंगी और वे अपनी फसल को बचाने के लिए उसके अनुरूप उपाय कर सकेंगे। सरकार और वैज्ञानिक समय समय पर नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों का सहयोग करेंगे।